इंडिया और यूएई का एडिटोरियल निकला हुआ है, एक डील है, आर्टिकल है, इसको हम लोग देखेंगे। रिसेंटली आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यूएई के विजिट पे गए, वहां पे उन्होंने डील किया। तो क्या डील था कि आप हमारे रुपए का इस्तेमाल करिए, हम आपके दिरहम करेंसी का यानी करेंसी एक्सचेंज की पॉलिसी बनाई गई। आरबीआई और उस देश की यूएई कंट्री की सेंट्रल बैंक दोनों में समझौता हुआ किस प्रकार से अपने इंटरलिंकिंग पेमेंट सिस्टम को हम जोड़ सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं लोकल करेंसी को। फोकस क्या करेगा, तो याद ये चीजें याद रखिएगा, ये फोकस करेगा किस प्रकार से अपने एक्सपोर्ट को यहाँ पे आगे लेकर जा सकते हैं हम लोग, और लोकल करेंसी की सहायता से एक्सचेंज रेट जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है, एवर्ट किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें लाने की बातें बोली जा रही हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरी क्या बातें बोली जा रही है यहाँ पे, मेजर आइटम अगर देखा जाए क्या क्या एक्सपोर्ट करता है भारत इंडिया यूएई में, तो अगर मिनरल फ्यूल की बात करें, मिनरल ऑयल की बात करें, प्रोडक्ट बिटुमिनस कोल की बात करें, अगर मिनरल वैक्सेस की बात करें, पर्ल मोती की बात करें, जो कीमती पत्थर है उनकी बात करें, प्रीसियस स्टोन मतलब ज्वेलरी, मेटल की बात करें, इलेक्ट्रिकल मशीनरी की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। और क्या इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट। इंडिया और यूएई की ट्रेड को अगर देखें तो यहाँ पे 85 बिलियन 2022 में था ये ट्रेड डील, ये जो चीजें देखी जा रही हैं। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएई वाज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, तो तीसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे इंडिया इनका पार्टनर आता है। तो इंडिया का तीसरे नंबर पे पार्टनर यूएई आता है, याद रखिएगा। अगर यूएई की लोकेशंस देखी जाए तो ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। कौन सा, तो हॉर्मुज स्ट्रेट क्वेश्चंस आया हुआ है, ये आपका यूएई है, कैपिटल आबू धाबी है। इस कंट्री से और इंडिया के कंट्री से यहाँ पे दोनों की लोकल करेंसी रूपी और दिरहम दोनों में यहाँ पे आपस में ट्रेड करने की बात चल रही है। ठीक इसी प्रकार से रसिया में रूबल और इंडिया की रूपी, इन दोनों कंट्री की भी बातें बोली जा रही है यहाँ पे कि इनमें भी डील हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीजें तो नहीं सफल हो पा रही हैं, लेकिन इनमें यहाँ पे बात चली है, आगे देखते हैं किस हद तक ये चीजें चलती हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं कि क्या ये जो गल्फ कंट्री हैं, ये जो गल्फ कंट्री हैं, गल्फ कंट्री मुस्लिम कंट्री है, उन कंट्री की भी डिटेलिंग आपको अभी दे दूंगा मैं बैकग्राउंड में जाकर के। तो यहां से रेमिटेंसेस आते हैं, अच्छा ये होते क्या है रेमिटेंसेस, तो आपको बता दें ये अगर इंडिया है और ये अगर क्या है सऊदी अरेबिया ले लेते हैं, सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ के जो भी लेबर जाते हैं यहाँ पे कार्य करते हैं और यहां से जो पैसे भिजवाते हैं भारत में, तो जो भारत में पैसे भिजवाते हैं उसको रेमिटेंसेस बोले जाते हैं। दूसरे देश से कमाया हुआ धन भारत में आता है, तो भारत विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैदा करने वाला देश है, याद रखिएगा। इसके पास सबसे ज्यादा मुद्रा विदेशों से आते हैं जॉब करके, क्योंकि यहाँ के जो लेबर है, यहाँ के जो स्किल लेबर है वो सब माइग्रेट कर चुके हैं लोग, खास करके अगर अनस्किल लेबर की बात करी जाए तो गल्फ कंट्रीज में जाकर के कार्य करते हैं। ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे जो रेमिटेंसेज आएंगे उसके लिए भी बहुत सारा यहाँ पे सहायता हो जाएगा, जो हाई कॉस्ट ट्रांजेक्शंस पे करने पड़ते हैं उसमें भी रियायतें आ सकती हैं। तो ये तो डिफिकल्ट सिचुएशन से इसको भी डील किया जाएगा अगर, तो दोनों कंट्री के बीच में बहुत अच्छे से यहाँ पे डील होनी चाहिए, तभी जाकर के ये चीजें संभव होंगी। हालांकि बातें तो बोली जा रही है इसमें भी ट्रांजेक्शंस सही तरीके से कराया जाएगा। IMF क्या बात बोला है यहाँ पे, तो जो फॉर्मल रेमिटेंसेज है वो हाई कॉस्ट पे यहाँ पे जलती हैं, एक कंट्री से जो पैसे भेजे जाते हैं उसके लिए भी चार्ज लगते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो इसको अगर फॉर्मल किया जाएगा तो ये भी कम चार्ज लगेगा और जो लो वेज अर्नर है उनको बेनिफिट पहुंच सकता है। UPI IPP की लिंकेज बताई गई है दोनों कंट्री के बीच में कि किस प्रकार से हम लोग इसको लेकर के आगे चल सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें बताई जा रही है, लो इनकम इंडिविजुअल जो भी है वो किस प्रकार से यहाँ पे रेमिटेंसेस को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी इंक्रीज है रेमिटेंसेस की वो 111 बिलियन 2022 में यहाँ पे ईयर वाइज बेसिस पे पहुंच जा रहा है, माइग्रेशंस को अगर कंसीडर करें तो। ये सारी चीजें हैं, हाई एनर्जी प्राइजेस यहाँ पे फेवर किए जा रहे हैं,
जो भी इंप्लॉयमेंट और इनकम तरीके से यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है यहाँ पे स्पेशल मेजर लेगा किस प्रकार से हम चीजों को यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो देखिए यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और वहां की आईपीपी है, इसी प्रकार से दोनों यहाँ पे बातें करते हुए नजर आए कैसे हम अपने आप को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ला सकते हैं। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट में क्या अंतर होता है, क्या आप लोगों को पता है? चलिए हम यहाँ पे बता ही देते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक प्रकार की डील होती है जो कि ऑफिशियल और बहुत फॉर्मल नहीं होती है। ये समझ पर चीजें होती हैं लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होती है, MOU। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाइंडिंग नहीं होती है कि फॉलो ही किया जाए, आपसी सहमति होती है, कोऑपरेशन होती है, बिलीफ होती है। जहां एग्रीमेंट की बात करी जाए ये बाइंडिंग होती है और ये लीगली चीजें अप्लाई करी जाती है, ऑफिशियली अप्लाई करी जाती है, ये आपको मानना ही है। तो ये अंतर है दोनों में, याद रखिएगा। तो ये किस देश से MOU है ये याद रखिएगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है क्योंकि ये अभी आपके प्राइम मिनिस्टर कहां पे पहुंचे हैं, आपके यूएई कंट्री में पहुंचे हैं, तो यहां पर इंपॉर्टेंस इसकी हो जाती है, जल्दी से इसको देखेंगे। तो ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन काउंसिल है जो कि कंप्राइज करती है किसको, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। ये कंट्री यहाँ पे इसके अंतर्गत रहती हैं, छह कंट्री। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रियाद सऊदी अरेबिया में है। 25 मई 1981 में इसको निर्माण किया गया था, याद रखिएगा 1981। सभी करेंट मेंबर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मोनार्की है जिसमें राजा का रूल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं राजाओं का रूल है। क्या इसकी गोल्स हैं, तो 2001 में यहाँ पे GCC सुप्रीम काउंसिल इसके गोल्स को निर्माण किया था कि एक कस्टम यूनियन रहेगा 2003 में, कॉमन मार्केट रहेगा 2007 में और कॉमन करेंसी रहेगी 2010 में। इन ईयर में इनको लाया गया था ताकि जो ऑयल की मार्केट है ना उसको हम लोग सही से रेगुलेट कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, कंट्री है, यहाँ पे सारी डिटेलिंग दे दिया हूं। अब जल्दी से आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जो आपको बताया वो आशा करते हैं क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप कमेंट से